हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आई टी डेली जॉब अपडेट पर। गाइज, डीआरडीओ सेप्टेंड 10 से रिगार्डिंग जिन छात्रों ने फॉर्म भरा था, एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। कई सारे छात्रों के काफी दिनों से क्वेश्चन आ रहे थे जब से फॉर्म अप्लाई किया था कि सर हमारा फॉर्म हमने इस तरह से भर दिया है, हमने ये कास्ट सर्टिफिकेट लगा दिया है, स्टेट का लगा दिया, या हमने ये गलती इसमें कर दी थी फॉर्म में। तो गाइज, 2357 फॉर्म टोटल रिजेक्ट हो गए हैं डीआरडीओ सेप्टेंड 10 के लिए। उसकी जो ऑफिशियल लिस्ट है वो उन्होंने साइट पर डाल दी है, उसका ऑफिशियल लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जाकर के वहां पर अपना नाम चेक कर लीजिएगा। उसमें टोटल डिटेल बताई हुई है कि आप लोगों का सेम सब्जेक्ट रहा इस वजह से फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, या आप लोगों का पहला रिजेक्ट हुआ है, दूसरा एक्सेप्ट कर लिया गया है, क्यों उन्होंने फॉर्म को रिजेक्ट किया है, उसका रीजन भी दिया है, आपके एप्लीकेशन नंबर क्या है, वो भी अब न्यू दे दिए हैं। तो गाइस, जिन भी छात्रों ने डीआरडीओ सेप्टेंबर 10 का फॉर्म भरा था, उन सब छात्रों तक ये वीडियो जरूर पहुंचानी है और अपना फॉर्म तुरंत ही चेक कर लो। मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, अदरवाइज आप लोगों को बाद में पता चले कि एडमिट कार्ड आने पर आपका एडमिट कार्ड नहीं निकले तो वो बहुत ही बड़ी ट्रेजेडी गाइस हो जाती है। तो आप लोग तुरंत अभी से उसको देख लो ताकि उस हिसाब से आप लोग तैयारी कर पाए। आज वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई जॉब अपडेट के साथ, जो रहेगी आईटी पास आउट छात्रों के लिए गवर्नमेंट वैकेंसी, चाहे वो अप्रेंटिस हो या परमानेंट जॉब भर्ती। तब तक के लिए बाय। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी सब्सक्राइब कर दो, वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। बाय दोस्तों, लव यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।